हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सरिफुल और आप देख रहे हैं सरिफुल मिर्जा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूट्यूब से आए हुए चार ऐसी नई अपडेट के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे अपडेट आए हुए हैं, तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ चार अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि ये चार अपडेट जो है मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी ये चार अपडेट जो है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये जो नए अपडेट है, ये नए अपडेट जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहिए और पूरा इंटेक्ट देखते रहिए, बिना स्किप किए पूरा इंटेक्ट देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो नए अपडेट आए हुए तो उस पर जो सबसे पहला अपडेट है उस पर क्या हो कि जितने भी सारे यूट्यूब चैनल है और उस पर जो चाइल्ड रिलेटेड जो वीडियो होते हैं उस पर जो कमेंट बॉक्स है वो कमेंट बॉक्स यूट्यूब की तरफ से बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कमेंट पर गालियां पड़ते हैं या कुछ नेगेटिव सेंस के कमेंट होते हैं, जिसके कारण उस चाइल्ड रिलेटेड जो वीडियो होते हैं उन ऑनरों को बहुत डिमोटिवेट होना पड़ता है। ऐसे हमें बहुत सारे लोगों को तो ऐसे गालियां देते हैं कमेंट पर, सो नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो जो बड़े होते हैं उन लोगों को वो मालूम होता है और उसके बारे में वो उतना ध्यान नहीं देते, पर जो छोटे बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे के रिलेटेड जो वीडियो होते हैं उस पर उन लोगों को थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं, जिससे कारण ये जो कमेंट बॉक्स है चाइल्ड रिलेटेड वीडियो का उनको बंद कर दिया गया है। और नंबर टू पर है जो हम कम्युनिटी टैब पर है, जो हम कभी जब भी कोई हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं उसको अगर हम कम्युनिटी टैब पर देते तो हम देखते हैं कि हमें फुल जो थंबनेल है वो हमें कम्युनिटी टैब पर नहीं मिलते, वो 50% आते हैं, कभी इधर का कभी उधर का। तो इसके लिए जो आप लोगों को एक बार काम करना होगा कि जो आपको दो थंबनेल बनाना पड़ेगा, एक तो वीडियो के लिए थंबनेल और एक आपको कम्युनिटी टैब के लिए थंबनेल बनाना होगा। और वो कम्युनिटी के थंबनेल पर आपको स्क्वायर साइज का जो थंबनेल है उसको आपको बनाना पड़ेगा, 1818 या 1212 इस तरह का आपको थंबनेल बनाना पड़ेगा, और उसी से आप उस थंबनेल को आप पेस्ट कर दीजिए और जो आपका चैनल सॉरी वीडियो का लिंक है उसको भी आप पेस्ट कर दीजिए, तब आपका सही तरह से आएंगे। और नंबर तीन पर है, हम जब भी कोई अगर किसी वीडियो पर हम कमेंट करते तो हमें कमेंट करने से पहले हमें दिखाई देते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस, सो उस कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है। एक्चुअली अगर हम किसी भी वीडियो पर अगर हम कमेंट करते हैं और कमेंट पर अगर हम कोई बुरी बात करते हैं या साफ फॉर साफ करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसी कारण हुआ है कि साफ फॉर साफ, तो ये एक्चुअली कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है। अगर इस तरह के अगर हम कोई कम्युनिटी गाइडलाइन के तो जो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ अगर हम अगर कोई कमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा भी चैनल जो कमेंट करेगा उसका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है या कॉपीराइट स्ट्राइक भी लग सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो इससे कारण ये जो नए ऑप्शन है इसको लागू कर दिया गया है। और नंबर जो चार पर है जो अपडेट है वो चार नंबर अपडेट ये है कि अगर हम कोई भी जब वीडियो शूट करते करने के बाद अगर हम अपलोड कर देते तो वो जो हम शूट करने वाले जो वीडियो होते हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं, तो कभी अगर हम जरूरत पड़े तो हम वैसे तो उस वीडियो को हम डिलीट कर देते हैं। अगर उस हमने जो चैनल पर हमने जो वीडियो अपलोड कर दिया अगर वो भी वीडियो अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या उस पर एक ऑप्शन दिखाई देंगे कि उसको हम उस वीडियो को हम डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो ये थे चार चार बड़े बड़े अपडेट। आपको कौन सा अपडेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।